नमस्कार, मैं राहुल कुमार। बिहार चुनाव का जो दिन है वो नज़दीक आता जा रहा है, वैसे ही बिहार से जुड़ी हर एक राजनीतिक खबर पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी की नज़र रहती है और कोई ना कोई मुद्दा हर एक पार्टी ढूंढ रही है एक दूसरे को घेरने के लिए। इसी कड़ी में झारखंड से एक इस तरह की खबर आती है जहाँ पे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं प्रफुल्ल सहदेव अपने फेसबुक पे एक फ़ोटो शेयर करते हुए दिखा रहे हैं और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ोटो में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव जो रिम्स अस्पताल, जो झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, उसमें अपना इलाज करवा रहे हैं लगातार बहुत दिनों से, वो एक अपनी एक बैठक कर रहे हैं और फ़ोन पे बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें लॉकडाउन के नियम और कोविड 19 के नियम की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए साफ साफ नज़र आ रहे हैं। साथ में इस तरह से लग रहा है जैसे उन्होंने अस्पताल को अपना एक मीटिंग पॉइंट बना रखा है, उसमें झारखंड सरकार के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता भी शामिल है और वहाँ पे वो अपनी फ़ोन पे बातें कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव पिछले 2 सालों से अभी झारखंड के जेल में बंद है और लगातार उन पे अलग अलग आरोप लगते आए हैं कि वो जानबूझकर अस्पताल में जाते हैं ताकि जेल की जो सज़ा है उससे बच सके। 1996 में हुए चारा घोटाले के केस में वो भी झारखंड में बंद है जेल में। 1996 के बाद लगातार इन पे अलग अलग इंक्वायरी बैठी और 2013 में भी इंक्वायरी बैठी थी सीबीआई की, उसके बाद 2018 में उनको सज़ा दी गई थी करीबन 14 साल के लिए। साथ में चुनाव आयोग द्वारा ये भी कहा गया था कि वो अगले 11 साल तक लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और कई बार उनके परिवार द्वारा बिहार में जेल में शिफ्ट करने की बात कही गई थी स्टार्टिंग में, लेकिन उस समय बीजेपी की सरकार झारखंड के अंदर थी जिसकी वजह से उनको जो बिहार में उनकी राजनीतिक पार्टी के साथ जो गठबंधन थी नीतीश कुमार के साथ उसका फ़ायदा ना मिल सके, इसलिए उनको बिहार के जेल से शिफ्ट करके झारखंड के जेल में शिफ्ट किया गया था। लेकिन अब झारखंड में भी आरजेडी महागठबंधन की और हेमंत सोरेन की सरकार है तो उनको बेनिफिट मिलना तो बिल्कुल लाजमी ही है और अभी के हालात देखते हुए यही लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार चुनाव की तैयारी रिम्स अस्पताल से ही शुरू कर दी है।